हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में मौजूद कूलर के फैन की मोटर स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले कूलर फैन की मोटर को सर्विस ऑयलिंग जरूर करें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कूलर की मोटर हमेशा नमी के बीच में रहती है, इसलिए कुछ समय बाद मोटर की ऑयलिंग या ग्रीस खराब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। यदि मोटर की नियमित रूप से ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते रहेंगे तो मोटर कभी जाम नहीं होती। दोस्तों, कूलर फैन की मोटर में लगा कंडेंसर भी फैन की स्पीड को अधिक रखने या कम करने में अहम भूमिका निभाता है। कंडेंसर पर बार बार पानी पड़ने की वजह से कंडेंसर ख़राब हो जाता है, जिससे पंखे की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए समय समय पर कंडेंसर को चेक करते रहें कि वो ख़राब तो नहीं हुआ है। और दोस्तों, कूलर पंखे के ब्लेड पर भी डस्ट जम जाने के कारण कूलर की मोटर पर दबाव पड़ने लगता है और मोटर की स्पीड में और हवा में फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये समस्या सिर्फ कूलर की मोटर में ही नहीं बल्कि छत के पंखे या टेबल फैन पर भी स्पीड में या हवा का फर्क पड़ता है। ऐसे में ब्लेड के डस्ट को समय समय पर या सप्ताह में 2-3 बार कूलर फैन ब्लेड या सीलिंग फैन ब्लेड की सफाई करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, फ़ैन की मेंटेनेंस के बारे में आप जान ही गए हैं और इस वीडियो को देखकर आप कूलर की मोटर की ऑयलिंग कैसे करेंगे और आगे मोटर में कोई परेशानी ना आ जाए तो इन सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और गर्मी में अच्छी हवा का आनंद लें। और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल मिश्रा इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप को सब्सक्राइब करें। आपका भाई नरेंद्र आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में मैं इस कूलर की मोटर को रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें जाम होने की प्रॉब्लम थी और स्पीड भी इसकी स्लो हो गई थी। तो ये कूलर की किट है, इसकी हम ऑयलिंग करेंगे पूरी तरीके से मोटर को खोलकर। और इसमें ऑयलिंग करने के बाद मोटर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। ऑयलिंग करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है सीज़न से पहले। जैसे गर्मी के स्टार्टिंग में अगर हम मोटर की सर्विस कर लें, ऑयलिंग कर लें और ग्रीसिंग करने के बाद आगे इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है और पूरी गर्मी हमारी आराम से कट जाती है। तो सीज़न की स्टार्टिंग में तो कहूँगा दोस्तों सर्विस ऑयलिंग ज़रूर करें। जैसा कि ये मोटर भी जाम होने लग गई थी, उससे पहले ही हमने इसको ऑयलिंग करना ठीक समझा और मैं आपको इस पूरी वीडियो में ऑयलिंग कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊँगा। ओके दोस्तों, दोस्तों ये कूलर की मोटर को हमने खोल लिया है। अब जो कूलर की मोटर के जो ये जो कवर हैं, इसमें बुश लगा हुआ है दोनों में और बुश के अंदर ही उसमें रुई टाइप लंदा लगा रहता है, उसी को हम ऑयल करेंगे और इतना ऑयल भर देंगे कि सीजन तो आराम से कट ही जाएगा।